आज मैं बात करने जा रहा हूँ नॉर्थ इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड नेबरहुड डेवलपमेंट के बारे में, विच इज़ नोन एज DLF मिड टाउन। इस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के अंदर वी हैव सेवरल फेजेस लाइक फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। सो ये जो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है, इसके अंदर वी हैव सम ऑफ द रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स एंड सम आर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। सो अगर मैं रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट की बात करूँ तो इसके अंदर वी हैव DLF कैपिटल ग्रीन्स फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। अगर मैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात करूँ तो इसके अंदर वी हैव DLF 1 मिड टाउन। सो दैट इज़ अ अपकमिंग प्रोजेक्ट। सो ये जितना डेवलपमेंट है इसके अंदर वी हैव 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK, स्टार्टिंग फ्रॉम इफ वी से अफोर्डेबल हाउसिंग से लेकर वी हैव टिल द लग्जरी सेगमेंट इस पूरे एरिया के अंदर। सो दिस इज अ 128 एकर्स ऑफ लैंड पैकेज जिसके अंदर वी हैव सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। लाइक इसके अंदर आगे फेज 5, फेज 6 भी प्रपोज है DLF की तरफ से, कि जब डिटेल्स आएगी वी विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दिस। सो ये जो पूरा हमारा मिड टाउन का इकोसिस्टम है, इसके अंदर वी आर हैविंग पोटेंशियल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3000 फैमिलीज राइट नाउ एंड 4000 इज प्रपोज आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ फेज 4। द फेज 4 इज अंडर कम्प्लीशन राइट नाउ एंड फेज 1, फेज 2, फेज 3 वी हैव दिस एज अ रेडी टू मूव अपार्टमेंट। तो जो फेज 1, फेज 2 है उसको हम लोग कहते हैं DLF कैपिटल ग्रीन्स। एंड फेज 1 और फेज 2 का जो है क्लब हाउस इज ऑल्सो कॉमन एंड जितनी भी फैसिलिटीज है दे आर कॉमन। वाइल जो फेज 3 है उसको हम एक लग्जरी सेगमेंट का आ जाता है एंड उसका जो क्लब हाउस एंड फैसिलिटीज आर डिफरेंट। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो वी हैव एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी इन फेज 3। सो अगर मैं मिड टाउन की बात करूँ इस पूरे इकोसिस्टम की, तो कोई भी बंदा, अभी जो दिल्ली का ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, सो लास्ट 10 ईयर्स से मैं बात करूँ आफ्टर द 2010, जो दिल्ली के लोगों का ट्रेंड है और जो माइंडसेट है वो चेंज होता जा रहा है। एंड नाउडेज दिल्ली के अंदर जैसे पार्किंग के इश्यूज आ रहे हैं, सिक्योरिटी का बहुत इशू है, तो वो दोनों चीज़ों को ये प्रोजेक्ट, ये इकोसिस्टम पूरा का पूरा उसको सपोर्ट दे रहा है। लाइक इधर कोई पार्किंग की प्रॉब्लम्स नहीं है एंड सिक्योरिटी वाइज बोलूँ तो इट इज़ अ वेरी एसेंशियल डेवलपमेंट राइट नाउ। अगर मैं बात करूँ इस प्रोजेक्ट की USP की, तो दिस प्रोजेक्ट इज सराउंडेड बाय 128 एकर्स ऑफ ग्रीन एरिया। सो पूरे दिल्ली के अंदर इफ वी गो टू सम एनी अदर प्रोजेक्ट, उस लेवल की ग्रीनरी हमें कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं मिल सकती है। सो दिस इज द USP ऑफ दिस एंटायर प्रोजेक्ट। अगर मैं आपको मैप शो करूँ तो दिस इज द मैप ऑफ फेज 1 एंड फेज 2 एंड फेज 3। सो अभी जो है एंट्री के अंदर वी स्ट्रेट गो एंड दिस इज़ द फेज 3, एंड फेज 3 के लेफ्ट की तरफ अगर हम ये दो एरियाज देख रहे हैं, दिस इज़ द फेज 1 एंड फेज 2। ये जो फेज 1 फेज 2 है इसके अंदर व्हाट वी हैव इज कॉमन क्लब हाउस, कॉमन स्विमिंग पूल्स। ये सिर्फ एक पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से फेज 1 और फेज 2 नाम रखा गया था, बट इट इज़ द वन एंड द सेम थिंग। एंड जो ये फेज 3 है, दिस हैज़ अ सेपरेट क्लब हाउस, सेपरेट स्विमिंग पूल एंड सेपरेट फैसिलिटीज। जो हमारा फेज 1, फेज 2 है इसके अंदर व्हाट वी हैव इज 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK, जिसका प्राइस रेंज जो है स्टार्ट हो जाता है अप्रॉक्स 1.65 करोड़ से एंड इट गोज टिल 4.45 CR। एंड अगर मैं फेज 3 की बात करूँ तो दिस स्टार्ट फ्रॉम 6.5 एंड गोज टिल 8 CR। तो ये अभी फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3, ये तीनों फेजेस अभी रेडी टू मूव है एंड दे आर अवेलेबल फॉर रीसेल। इसके अलावा जो है इसी के जस्ट फेज 3 के जो राइट में ये जो एरिया है, दिस इज़ अ फेज 4 एरिया। तो ये जो एरिया है दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 एकड़ ऑफ लैंड एंड दिस इज़ प्रपोज्ड एज अ लग्जरी 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK प्रोजेक्ट। सो दिस, ये जो प्रोजेक्ट है दिस इज़ अंडर द कंस्ट्रक्शन। इसकी अभी डिटेल्स अपकमिंग जैसे जैसे आएगी वी विल बी शेयरिंग इट ऑल्सो। अगर मैं बात करूँ फेज 1 एरिया की, तो इस फेज 1 एरिया के अंदर वी हैव 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट्स, जिसका 2 BHK का साइज अप्रॉक्सीमेटली वी हैव स्टार्टिंग फ्रॉम 1200 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है एंड 3 BHK का 1450 से स्टार्ट होके वी हैव लार्जेस्ट साइज ऑफ 1750 स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेटली। एंड ये जो एरिया है एंड इसके ये जो साथ वाला एरिया, दिस इज फेज 2 एंड इसके अंदर वी हैव 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK फ्लैट्स। तो 2 BHK का अगेन सेम एरिया हो जाता है 1200 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होके एंड 3 BHK का एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम 1450 स्क्वायर फीट एंड इसके अंदर जो 4 BHK आ जाता है उसका एरिया 2800 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है। इसकी जो रेंज आ जाती है एंड फेज 1 और फेज 2 की जो रेंज आ जाती है, ब्रॉडली अगर मैं बोलूँ तो स्टार्ट फ्रॉम 1.65 करोड़ एंड एंड टिल 5 CR। तो अगर मैं टोटल बात करूँ तो फेज 1 के अंदर वी हैव 1446 यूनिट्स एंड फेज 2 के अंदर वी हैव 1270 यूनिट्स टोटल। सो एट प्रेजेंट अगर मैं इसकी ऑक्यूपेंसी की बात करूँ
सो इसके अंदर जो है ऑक्यूपेंसी लेवल इज 70%, 70-80% अभी टोटल फेज वन, फेज टू एंड फेज थ्री आर ऑक्यूपाइड. सो दिस इज द होल इकोसिस्टम ऑफ DLF मिड टाउन. जो फेज फोर है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड उसका जो लॉन्च है बहुत जल्दी होने वाला है एंड उसकी भी बुकिंग्स बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है. सो इफ एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी रिलेटिंग टू द बुकिंग ऑफ मिड टाउन, रिलेटेड टू रीसेल फ्लैट्स इन DLF कैपिटल ग्रीन्स और एनी थिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस अबव नंबर. थैंक यू.